morning, student. This lecture is for MCOM second semester subject cooperation. And in this lecture, we have to discuss topic PACs, that is Primary Agricultural Credit Society. As far as MCQ multiple choice question is concerned, you have to remember the abbreviation and long form of that PACs. PACs is called as the Primary Agricultural Credit Society. जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, उसमें कई बार जो पूछा जाता है कि पीएसीस का मतलब क्या है, पीएसीस क्या है, तो ध्यान में रखना है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी. सो वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर, दैट इज कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर ऑफ पीएसीस इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. पहले स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, देन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, देन प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी. यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इस प्रकार से है कि पहले स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, यानी सबसे ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसके नीचे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और उसके नीचे प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी. इस प्रकार से जो है इसका स्ट्रक्चर है, इसका वर्किंग है. और ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो बोरविंग फंड्स फ्रॉम मेंबर्स एज वेल एज दी अदर्स टू बी यूटिलाइज इन गिविंग लोन टू दी मेंबर्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेस. यानी मेंबर्स लोगों से फंड एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, और उसके अगेंस्ट में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको वो फंड अवेलेबल करवा के देना. इन किस पर्पज़ के लिए? यूटिलाइज एंड गिविंग लोन्स टू द मेंबर्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेस. लेकिन किस पर्पज़ के लिए लोन देना? लोन देना प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए, मतलब वो लोन में से उसका कुछ भी इनकम जनरेट होना चाहिए. नंबर टू, एक्टिंग एज अ एजेंट फॉर द जॉइंट सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स. थर्ड ऑब्जेक्टिव है परचेसिंग एंड ओविंग इम्प्लीमेंट्स, मशीनरी और कैटल फॉर रेंटिंग इट टू द मेंबर्स. उसी पैसे में से जो है वो कुछ मशीनरी जो लगती है फार्मिंग के लिए वो परचेस करना, और जो इनके पास नहीं है उनको रेंटल बेस पे जो है वो देना. लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट बट द सर्विस इज द मेन ऑब्जेक्ट. यहाँ पर प्रॉफिट को बाद में ध्यान में लिया जाता है, पहले मेंबर्स लोगों को सर्विस देना ये प्राइमरी वर्क है. देन डिसिमिनेटिंग नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा. एग्रीकल्चर के बारे में जो है वो लेटेस्ट नॉलेज फार्मर्स को देना कि वो किस प्रकार से जो है वो क्रॉप ले सकते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, फर्टिलाइजर्स क्या है, सीड्स क्या है, इसके बारे में लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी जो है वो फार्मर्स लोगों तक देना. उसके बाद में हैंडीक्राफ्ट लोगों को देना जिससे वो अपना जो है एग्रीकल्चर अच्छी तरह से कर सके. उसके बाद में जो है फिफ्थ पॉइंट, इनकरेजिंग थ्रिफ्ट सेल्फ हेल्प एंड कोऑपरेशन अमंग दी मेंबर्स. जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जिस प्रकार से रहता है उस प्रकार से पीएसीस के मेंबर्स की हेल्प करना, ये ऑब्जेक्ट है. उसके बाद में इसका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार हो सकता है? एनी 10% कैन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएसीस. कोई भी 10 मेंबर जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सच पर्सन शुड बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड लिव विद इन द एरिया ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ द सोसाइटी. मोर ओवर द एरिया शुड नॉट बी सो लार्ज दैट द कल्टिवेटर फाइंड्स इट इनकन्वीनियंट टू ऑब्टेन द सर्विसेज. बहुत बड़े एरिया में कि मेंबर नहीं होना, जो आसपास जो है सोसाइटी के आसपास कि मेंबर्स को ले सकते हैं. अगर बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस पर रहा तो सर्विस देना पॉसिबल नहीं होगा इस एंगल से. उसके बाद में फंक्शंस क्या हो सकते हैं पीएसीस के? तो एसोसिएशन ऑफ इटसेल्फ विद द प्रोग्राम ऑफ प्रोडक्शन. नंबर टू, लेडिंग एडुकेट अमाउंट टू मेंबर्स फॉर देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पर्पज. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. यानी पीएसीस का प्राइमरी फंक्शन ये है कि मेंबर्स लोगों से जो है एज अ डिपॉजिट करके जो है वो अमाउंट लेना, और उसी अमाउंट को एज अ लोन करके दूसरे ज़रूरतमंद मेंबर्स को देना ताकि वो अपना प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सके, इनकम जनरेट कर सके बहुत ही कम इंटरेस्ट पे.
borrowing adequate funds from the central financial agencies, जो भी central financing agencies है उनसे sufficient firm borrow करना for helping the members adequately, क्योंकि जब funds available होगा तभी जो है वो members लोगों की अच्छी तरह से help की जा सकती है. And attracting local savings for share capital and fixed deposit, जो भी local areas के लोग हैं या members लोग हैं उनकी savings को attract करना ताकि वो saving या fixed deposit PACs में दें, क्योंकि अगर पैसा आएगा PACs में वही PACs जो है वो members लोगों की अच्छे से help कर सकेंगे, इसलिए उनको attract करना कि भाई वो PACs में पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट डालें या सेविंग अकाउंट में डालें, जिससे फंड क्रिएट होगा और ये फंड जो है जरूरतमंद लोगों को एज अ लोन करके दिया जाएगा. उसके बाद में सुपरवाइजिंग द यूज ऑफ लोन्स एंड टू सी दैट दे आर पेड रेगुलरली. सिर्फ लोन देना ही नहीं, लोन देने के बाद उसका सुपरविजन करना, और सुपरविजन इसलिए कि जो लोन दिया है तो पर्टिकुलर 2 साल 3 साल जो भी पीरियड होगा 5 साल तो उसका रेगुलरली जो है वो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके ऊपर सुपरविजन. उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिंग फर्टिलाइजर सीड्स एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एक्सेट्रा आइदर ऑन इट्स ओन और एन एजेंट, यानी इसके अलावा जो है वो फर्टिलाइजर फार्मर लोगों को अवेलेबल करवा के देना, उसमें में सीड जो है या इंसेक्टिसाइड्स जो है तो ये सब जो है फार्मर्स लोगों को अवेलेबल करवा के देना, ये भी PACs का काम है. उसके बाद में स्टोरिंग द प्रोड्यूस ऑफ द मेंबर्स इट इज सोल्ड, जो भी क्रॉप निकलता है उसको स्टोर करने के लिए स्पेस देना, वो जब तक बेचा नहीं जाता तब तक उसको स्टोर करने के लिए गोडाउन जो है उसकी मदद करना, ये भी PACs का काम है. उसके बाद में एसोसिएटिंग इटसेल्फ विद परफॉर्मेंस प्रोग्राम्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर फॉर दी विलेजेस, और अलग अलग प्रोग्राम जो है वो सोशल वेलफेयर फॉर दी विलेजेस के लिए अलग अलग जो है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम अरेंज करना, ये भी PACs का काम है. उसके बाद में PACs का मैनेजमेंट किस प्रकार चलता है, तो दी मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी इज डेमोक्रेटिक एंड हारमोनी, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रहता है. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वन मेंबर वन ओनर, जैसे कोऑपरेशन में होता है कि वन मेंबर वन ओनर, यहाँ पर भी इसी प्रकार से है कि वन मेंबर वन वोट जो है इस प्रकार से जो है वो इनका मैनेजमेंट चलता है. द जनरल बॉडी इज द अल्टीमेट अथॉरिटी एट ऑल मैटर्स, उनकी जनरल बॉडी जो होती है वो सबसे बड़ी जो है वो अथॉरिटी होती है कंसर्निंग द सोसाइटी. एक्सक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ पंचायत, और मैक्सिमम जो पावर है वो पंचायत के हाथ में होती है और कमेटी इलेक्टेड बाय द जनरल बॉडी. एक तो पंचायत के हाथ में या फिर जो कमेटी इलेक्ट करती है, जनरल बॉडी जो कमेटी इलेक्ट करती है वो कमेटी के पास में जो है वो मैक्सिमम पावर होती है. इस प्रकार से जो है वो PACs का काम चलता है. तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसमें जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसका PDF जो भी अवेलेबल है उसमें से आप पढ़ सकते हैं. तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही कंटिन्यू करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू